जो सर्टिफिकेशन की अब मैं बात करूं, जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट गोल्ड स्टैंडर्ड सील इनैजिक के अलावा दुनिया की कोई दूसरी मशीन नहीं है जिसको वो मिला हुआ है। आप खुद WQA की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे फाइंड गोल्ड सील प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे आप सर्च करिए मैन्युफैक्चरर का नाम डाल के, इनैजिक के अलावा वाटर आयनाइजर की कैटेगरी में कोई दूसरी मशीन नहीं आती। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो WQA की ओरिजिनल वेबसाइट है वहां जाके सर्च कर सकते हो। वो लोग आपको फोटोशॉप इमेज दिखा देंगे कि हमारे पास WQA सर्टिफिकेट है, या फिर नॉर्मल WQA का आपको दिखा देंगे सर्टिफिकेट, लेकिन आप उसमें ऊपर गौर करके देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ होता है मेंबर ऑफ WQA, मतलब वो सारे सिर्फ मेंबर हैं WQA के, उनके प्रोडक्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड सील नहीं मिली है, सिर्फ वो मेंबर हैं WQA के। मेंबर कोई भी बन सकता है, किसी भी कैटेगरी में कोई भी मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप इज नॉट अ WQA सर्टिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। WQA एक गोल्ड स्टैंडर्ड सील किसी प्रोडक्ट को तब देता है जब 18 महीने तक मशीन को ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। लगभग 1714 पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स के ऊपर उसको जज किया जाता है, मशीन को उसके डेटा को निकाला जाता है, और 18 महीने तक कंटिन्यूसली उसमें से पानी की टेस्टिंग की जाती है, और हर एक TDS के ऊपर, नहीं सिर्फ 100-150 ऐसा नहीं, 200-250-300-400 राइगरसली टेस्टिंग होती है। तो इतने हाई TDS के ऊपर भी मशीन कोई परफॉर्म कर रही है और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगी, इसलिए WQA उसको गोल्ड स्टैंडर्ड सील देता है। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनैजिक इसीलिए पायनियर है, इनैजिक को ही सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बाकी सब सिर्फ मेंबर होते हैं WQA के। अब ISO 13485 जो एक सर्टिफिकेट है, ये बहुत पॉपुलर है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेट होता है। अब सब आपको बोलेंगे, चैनसन बोलेगा, KYK बोलेगा, टाइन बोलेंगे कि हमारे पास भी ISO 13485 है, ये देखो हम दिखाते हैं, तो उनकी फोटोशॉप इमेज पे मत जाइएगा या फिर उनके सर्टिफिकेट पे मत जाइएगा। आप उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करिए कि क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर दिखाता हूँ कि आप क्या देखना है आपको सर्टिफिकेट्स में, जिससे आपको समझ में आएगा कि सर्टिफिकेशंस को कैसे देखा जाता है। अब आप या मैं या कोई या जो भी मार्केटिंग वाला कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है चैनसन का या इनैजिक का, वो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, या वो तो है नहीं, डॉक्टर्स तो है नहीं, तो हम लोग रिलाय किस पे करेंगे? हम जो ये इस तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्टिफिकेशंस देती हैं, कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जिनको आप पैसे खिला दो वो सर्टिफिकेट बना के दे देगी, ऐसी भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सर्टिफिकेट देगी, वो ऑथेंटिक होता है, और आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि जो आपको सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है वो ओरिजिनल है, वाटर आयनाइजर का है या किसी और चीज का है। मतलब एक ही कंपनी 10 प्रोडक्ट भी बना सकती है मेडिकल ग्रेड डिवाइस के, क्या पता उस कंपनी को सर्टिफिकेट किसी और प्रोडक्ट के लिए मिला हुआ है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं बुडर की, बुडर क्या करता है, सर्टिफिकेट दिखाता है ISO 13485, ये देखो ISO 13485 है, मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, लेकिन वो मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट किसका है, मैक्सेल का है, जो जापानीज कंपनी है। प्लस मैक्सेल को जो ISO 13485 मिला हुआ है वो किस कैटेगरी में मिला हुआ है, वो मिला हुआ है मसाजर्स में, मेडिकल ग्रेड मसाजर्स में, थेरेपी के कुछ कुछ डिवाइसेज होते हैं उसमें मिला हुआ है, वाटर आयनाइजर कैटेगरी में नहीं मिला हुआ। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, आपको वाटर आयनाइजर कैटेगरी में मेडिकल ग्रेड डिवाइस होनी चाहिए। ISO 13485 का मतलब है कि ये डिवाइस से निकला हुआ पानी ह्यूमन बॉडी के लिए 0.001% भी हार्मफुल नहीं होगा, जो कि सिर्फ इनैजिक की मशीन को मिला हुआ है, कोई दूसरी मशीन को नहीं मिला हुआ। अब मैं वारंटी की बात करूं, वारंटी इनैजिक में कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इनैजिक क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। जो दूसरी कंपनीज हैं वो क्या है, असेंबलर्स हैं, रीसेलर्स हैं या मार्केटिंग एजेंसीज हैं, तो उनका जो वारंटी या गारंटी जो देता है ना, वो कौन देता है, मार्केटिंग कंपनी दे रही होती है। कभी भी आप उनके वारंटी सर्टिफिकेट को देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वारंटी गिवन बाय दैट मार्केटिंग एजेंसी या फिर असेंबलर। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ही उसकी गारंटी नहीं दे रहा कि कब तक चलेगा, साला खराब हो जाएगा,
लेकिन एक बंदा है वो मार्केटिंग कर रहा है कुछ चीज की, वो बोल रहा है नहीं नहीं बढ़िया चलेगा एकदम, तो आप खुद किसके ऊपर रिलाई करोगे, जो खुद मैन्युफैक्चरर बना रहा है और खुद गारंटी वारंटी दे रहा है, या फिर वो जो कहीं तीसरी जगह से खरीद रहा है और खुद के एंड पे रिस्क लेके बोल रहा है कि नहीं नहीं बढ़िया है परफेक्ट है। ये तर्क आपको खुद को समझना चाहिए, आपको खुद को लॉजिक लगाना चाहिए कि किसकी वारंटी या किसकी गारंटी ज्यादा ऑथेंटिक होगी। अब आप ये देखिए, मैं जैसे बताया था आपको एग्जांपल में, अभी आप चैनसन का सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से निकाला है, आपको सिर्फ वो ये सर्टिफिकेट दिखा देंगे, ये देखो भैया ISO 13485 है, देखो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है ये, तो अब बताओ। लेकिन आपको क्या करना है, जूम करके इसके अंदर ये देखिए नीचे, पहली बात तो फर्स्ट थिंग, ये सर्टिफिकेट मिला किसको है, मिला है सेंटर पॉइंट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि क्या है, सिर्फ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, एक मार्केटिंग कंपनी है जो इसको मार्केट कर रही है इंडिया में। तो उसके सर्टिफिकेट हमको क्या लेने देना, चैनसन जहां बन रहा है उसका सर्टिफिकेट कहां है, उसका सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, क्योंकि फर्जी है, क्योंकि वो मशीन चली नहीं सकती, बढ़िया ही मशीन नहीं है, वो सिर्फ आपको बेच के निकल जाएंगे, तो वो मेडिकल ग्रेड डिवाइस ही नहीं है, वाटर आयनाइजर में कहां आप कंपीट कर रहे हो उसको इनाजिक से। आपको खुद को सोचना चाहिए, आप खुद की और पूरी अपनी फैमिली की लाइफ को सिर्फ कुछ चंद पैसे बचाने के लिए आप एंडेंजर में डाल देंगे। अगर आपके में अगर वाटर आयनाइजर आपको लेना है तो सिर्फ इनेजिक का ले लेना, पैसा कम पड़ रहा है तो इनेजिक का बेसिक वाला ले लेना, लेकिन जाना इनेजिक के साथ ही, और किसी दूसरी कंपनी के साथ मत जाना, क्योंकि ये सारे डेंजर्स मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इंसान या तो मतलब एक्सपीरियंस से सीख ले या फिर खुद ठोकर खा के सीख ले। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैंने देखे जिन्होंने पहले चैनसन ली, टायंट ली, अलग अलग मशीनें यूज की, पैसा अपना बर्बाद किया, फिर एक साल डेढ़ साल दो साल बाद जाके वो इनायजिक के ऊपर वापस आए, अब जाके वो लोग पिछले तीन चार साल से इनायजिक यूज कर रहे हैं और दे आर सेटिस्फाइड। तो या तो आप पैसा खर्च कर लो पहले, या फिर पहले ही समझ लो। तो ये इसमें आप सर्टिफिकेट में देखेंगे, पहली बात तो ये सर्टिफिकेट किसको मिला हुआ है, मार्केटिंग कंपनी को। दूसरी चीज, मिला किस लिए, मतलब मिलने का एक स्कोप होएगा ना, मिला किस कैटेगरी में। तो आप यहाँ पढ़ेंगे, क्लियर लिखा हुआ है इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाटर आयनाइजर, मतलब सिर्फ इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं, कोई कंपनी नहीं, सिर्फ इंपोर्टर का मेडिकल ग्रेड डिवाइस का मिला हुआ है, मतलब कि तुम्हें सर्टिफिकेट है कि भैया तुम मेडिकल ग्रेड डिवाइस इंपोर्ट कर सकते हो, बस इसका मतलब ये है, वो कोई भी मशीन हो सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे KYK, ये तो बेवकूफ बनाने की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं ये लोग। आप देखिए इनके ISO 13485 सर्टिफिकेट में, इसमें भी आप जूम करके देखेंगे ना नीचे कि किस कैटेगरी में या किस लिए मिला हुआ है, वहां क्लियर लिखा हुआ है फॉर अल्कली वाटर प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट्स, मतलब अल्कलाइन वाटर प्रोड्यूस करने के इक्विपमेंट्स, ना कि इलेक्ट्रोलिसिस जनरेटर्स, ना कि वाटर आयनाइजर्स, कहीं वाटर आयनाइजर नहीं लिखा हुआ, कहीं इलेक्ट्रोलिसिस जनरेटर्स नहीं लिखा हुआ। अब जब आयनाइजेशन है तो वो तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनेगा या फिर वाटर आयनाइजर के थ्रू बनेगा, सिर्फ एल्कली वाटर प्रोड्यूसिंग में मिला हुआ है। एल्कली वाटर प्रोड्यूसिंग मतलब नॉर्मल पानी है, उसमें मैं मिनरल्स घोल के लोगों को दे सकता हूँ, मैं अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स घोल रहा हूँ, मैं अच्छी मेडिकल ग्रेड के मिनरल्स घोल रहा हूँ, इसलिए मुझे आपने मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट दे दिया है। तो कैटेगरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप वाटर आयनाइजर खरीद रहे हैं और वाटर आयनाइजर कैटेगरी का ही ISO 13485 सर्टिफिकेट देखिए, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है आगे जाके। अब आप देखिए KYK का ये सर्टिफिकेट है FDA अप्रूव, वो एकदम छाती ठोक के बोलेंगे कि भैया हमारे को तो FDA अप्रूव्ड है, आप देख लो, ये देखो FDA। अब क्या क्लाइंट क्या करेगा, अरे यार FDA यार, ये तो आगे देखेगा ही नहीं FDA क्या है क्या नहीं है। FDA के अंदर वो देखिए नीचे जूम करके क्या लिखा हुआ है, प्यूरीफायर वाटर, RO फिल्टर, डीआयनाइजेशन, ठीक है, इस कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स को FDA ने अप्रूव किया हुआ है, मतलब कोई वाटर आयनाइजर का नाम नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलिसिस जनरेटर का नाम नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर का नाम नहीं है, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं मार्केटिंग जार्गन्स को यूज करके। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको
खुद को अपना तर्क वितर्क लगाना चाहिए, अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए, सिर्फ चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपनी फैमिली को डेंजर में मत डालिए।